माला जपते समय क्या माला को छुपाकर छुपाना जरूरी है? हाँ, माला जपते समय माला को छुपाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार पहले के ज़माने में होता था, हमारी माला से हमारे मंत्र के इष्ट का पता चल जाता है। ऐसे भी एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को हमारी हथेली में पहुंचना चाहिए। इसीलिए जो एक गौमुखी आती है, जिसको साधारण भाषा में झोली भी बोलते हैं, उस गौमुखी में रखकर जाप करेंगे तो एक तो आपकी ये उंगली गौमुखी में बाहर निकलने के कारण अलग हो जाती है, और ये उंगली जैसे ही अलग हुई तो आपकी ये सूर्य उंगली, शनि उंगली और आकाश तत्व, सूर्य, शनि और आकाश तत्व, ये तीनों मिलाकर माला फेरते हैं। तो जैसे जैसे माला आ जाती है तो माला का मन का हमेशा भीतर की ओर आता है, कभी बाहर की ओर नहीं जाता। माला जाप करते समय मन का को बाहर की ओर नहीं करना चाहिए, माला जाप करते समय हमेशा मन का को भीतर की ओर करना चाहिए। तो जब हम जाप कर रहे हैं तो उस माला का जो ऊर्जा तत्व है वो हमारी हथेली के मध्य भाग में संग्रहित तो हो रहा है। कई बार आपने सुना होगा, अपना हाथ जगन्नाथ, लोग तरसते हैं गुरु का हाथ किसी तरह उनके सिर पर आ जाए। क्यों? क्योंकि उस हथेली में उस भजन की ऊर्जा का रहना और हमारा उनसे आशीर्वाद मांगना। आप भी जब भजन कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, तो आपकी हथेली में भी उस ऊर्जा का रहना जरूरी है। इसीलिए माला को छुपाकर करना चाहिए। ऐसे आपने कभी किसी मौलवी साहब को माला फेरते हुए देखा होगा, वो इसके ठीक उल्टा करते हैं। वो माला को हमेशा इस पहली उंगली के ऊपर रखते हैं और माला को बाहर की ओर मन का फेंकते हैं। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा माला का मन का भीतर की ओर लाने के लिए कहा और प्रथम उंगली को दूर रखने के लिए कहा। क्योंकि जब माला का मन का भीतर की ओर आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से आप उसकी ऊर्जा को अपनी हथेली के ऊपर ले रहे हो और उस हथेली को आशीर्वाद के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे वरदान के रूप में, भाग्य के रूप में उपयोग किया जाता है। इसीलिए मुझे लगता है कि माला को गौमुखी में रखकर जाप करना ज़्यादा उत्तम है।